नमस्कार। तो छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम की भतीजी बताते हुए इस लड़की ने एक वीडियो जारी करा जिसमें यह बताती है। आप एक न्यूज का आर्टिकल देखिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भतीजी अंजलि शर्मा ने अपने चाचा के खिलाफ एक वीडियो जारी किया है। अंजलि ने प्रेम विवाह करने के बाद यह वीडियो जारी किया है। छत्तीसगढ़ में एक प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नवविवाहित लड़की ने अपने परिवार वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वीडियो चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि लड़की राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भतीजी है। अंजलि शर्मा ने अपने चाचा पर ही आरोप लगाया है कि वह शादी को सबसे ज्यादा खिलाफ थे। हालांकि इस वीडियो की हम सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते और ना ही ये आर्टिकल वाले करते हैं। इस वीडियो में लड़की कहती है, मैंने शादी अपनी मर्जी से कर ली है। मैं कवर्धा की रहने वाली हूँ। मेरे घर वाले शादी से इनकार कर रहे थे क्योंकि हम दोनों अलग अलग जाति से हैं। मुझे अमन से प्रेम है इसलिए मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मैं अपने घर से निकली और अमन के घर पहुंच गई। यहाँ परिवारजनों ने मिलकर शादी करवाई है। यह बात मैंने बोली थी कि जब मैं घर आऊंगी पहले शादी करूंगी। अगर ये शादी नहीं होती तो मेरा जीवन और कहीं हो नहीं सकता। इतने दिनों से हमें जाति समीकरण की कौन कौन सी नई परिभाषा बताई गई, लेकिन भाई यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की भतीजी विजय शर्मा की भतीजी खुद कह रही है कि उनके चाचा इस शादी से सख्त खिलाफ थे। रीजन क्या था? रीजन यह था कि लड़का अलग जाति का था, ऐसा इस वीडियो में लड़की कहती है। भाई वो आरोप लगाती है अपने चाचा विजय शर्मा पर। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वहाँ के डिप्टी सीएम को खुद आकर भी इस चीज में जवाब देना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब।